truth of the poll. Hello dear students, now illustration number 7. Prove that tan inverse x plus tan inverse this is equal to tan inverse 3x minus x square upon 1 minus 3x square. इस क्वेश्चन को हम राइट से मतलब लेफ्ट से राइट भी प्रूव कर सकते हैं या राइट साइड से हम लेफ्ट साइड भी प्रूव कर सकते हैं. तो हम यहां पर राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड जाएंगे. सो फर्स्ट वी विल टेक लेट आर एच एस विच इज अवर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन यहां पर एक्स क्यू होगा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर. अब टेन इनवर्स है तो अंदर में कुछ ऐसा हम फॉर्मूला यूज करें जिससे टेन की फॉर्मूला यहां बन जाए. और सोचिए क्या हमारे पास में ऐसा कोई टेन का फॉर्मूला है जिसमें 3 आता है? तो बिल्कुल है. वी हैव द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर थीटा. सो लेट अस एज्यूम लेट x इज इक्वल टू tan थीटा देयरफॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इक्वेशन नंबर 1. हियर थीटा बी द डोमेन ऑफ tan फंक्शन विच इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. लेकिन यहां पर जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ध्यान देना है. क्या मतलब इसका वो हम बातें देखेंगे. इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. दोस्तों ओके सो वी हैव टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इक्वेशन नंबर 2. अब हमें यहां पर ये कंसीडर करना है कि 3 थीटा मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टेन फंक्शन. सो बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन बट मॉड्यूलस एक्स लेस देन 1 अपॉन रूट 3 मीन्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन 1 अपॉन 3 अप्लाई टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स फंक्शन टू ऑल साइड tan inverse minus 1 upon root 3 less than tan inverse x less than tan inverse 1 upon root 3 which is minus pi by 6 theta and pi by 6 multiplied by 3 to all these inequalities we get pi by 2 less than 3 theta less than pi by 2. So here we definitely say that 3 theta belongs to domain of tan function which is from minus pi by 2 to pi by 2. Therefore, our LHS is tan inverse tan 3 theta. So, it becomes identity function and now we have only 3 theta. And we also know that theta is equal to what? Tan inverse x. 3 times ka matlab hoga tan inverse x plus tan inverse x plus tan inverse x. According to property number 4, Encheon formula apply karenge. Now tan inverse x plus tan inverse x plus x upon 1 minus their product. So finally we get tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square, which is our left hand side. दोस्तों left side से भी right hand जा सकते हैं. यहां पर हमने right side से left side यहां पर prove की है. आपको एक question होता होगा कि property number 4 जब apply करते हैं तो हमें तीन condition वो देखनी पड़ती है कि इन दोनों का जो production है वो एक से ज्यादा है कम है. तो यहां पर देखिए already x है जो less than 1 है. यदि x लेस देन 1 है तो सेम वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू और भी एक से लेस होगी. तो यहां पर कंडीशन 1 ही हमें अप्लाई करनी होगी. इसीलिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूला 1 ही अप्लाई किया है और इस तरह हमें आगे बढ़ना है. दोस्तों क्लियर आप कर सकते हैं.
तो आगे बढ़ेंगे, तो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर थ्री, वी नो वेरी वेल कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो हियर वी हैव कॉस पाई बाई टू एंड वी नो वेरी वेल कॉस पाई बाई टू विच इज जीरो। सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 12 इसी टाइप का है, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सेम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2 इंटू cos 2 इंटू sin इनवर्स। दोस्तों वी नो वेरी वेल 1/2 sin में 30 डिग्री की वैल्यू है, मतलब साइन पाई बाय सिक्स। सो हियर वी राइट साइन पाई बाय सिक्स ब्रैकेट कंप्लीट बिग ब्रैकेट कंप्लीट। टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स और साइन हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन इंटू पाई बाय सिक्स, 2 3 6 कॉस पाई बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 3 इज √3/2। अगेन 2 कैंसल, नाउ tan इनवर्स √3 मीन्स tan इनवर्स √3 मीन्स tan ऑफ पाई बाय 3 मतलब tan 60 डिग्री। अगेन इन दोनों का होगा कॉम्बिनेशन विच गिव आइडेंटिटी फंक्शन एंड फाइनल वैल्यू इज पाई बाय 3। समझ गए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू या तो फिर एक 2 मार्क्स में आ सकते हैं। यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.2 एग्जांपल नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो ये दोनों में यहां पर हम कुछ एज्यूम करेंगे जिससे ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा सिंप्लेक्स फॉर्म में। सो लेट मी एज्यूम एक्स इज इक्वल टू tan थीटा या तो फिर tan अल्फा लेते हैं, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा विच इज sin 2 थीटा। तो साइन की फॉर्मूला बनाने के लिए tan ऑर्डर लेंगे और यहां पर वाई इज इक्वल टू tan बीटा, therefore tan inverse y is equal to beta and here tan inverse x is equal to alpha, therefore let इसे हम एज्यूम करेंगे a is equal to, let a is equal to tan 1/2 into sin inverse 2 tan alpha अपन 1 plus tan square alpha प्लस cos इनवर्स 1 minus tan square beta अपन 1 plus tan square beta, therefore tan 1/2 into ये वैल्यू होगी sin इनवर्स sin 2 alpha प्लस cos इनवर्स cos 2 alpha। तो tan ऑफ 1/2 इंटू 2 alpha प्लस 2 beta, 2 कॉमन एंड कैंसल, फाइनली वी है tan alpha प्लस beta। समझ रहे हैं दोस्तों, फॉर्मूला होगी यहां पर tan alpha प्लस tan beta अपॉन 1 minus tan alpha इंटू tan beta, tan alpha which is equal to x and tan beta which is equal to y। so यहां पर होगा वैल्यू क्या होगी, x plus y upon 1 minus xy। एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर sin inverse और sin को combine करते समय 2 alpha जो है वो sin के domain में होना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा है। तो यहां पर देखिए
एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा और एक्स जो है वो फ्रॉम माइनस मॉडुलस एक्स लेस देन वन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो यहां पर एक कंडीशन होगी माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, माइनस पाई बाई फोर लेस देन थीटा, मतलब अल्फा लेस देन पाई बाई फोर। यदि हम यहां पर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाई टू लेस देन टू अल्फा लेस देन पाई बाई टू, विच इज द डोमेन ऑफ साइन, तो ये साइन के डोमेन में है। इस तरह हम यहां बात करें तो बीटा होना चाहिए, कॉस टू बीटा की फॉर्मूला है। तो y जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो जीरो टू पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, वहां पर टेन पॉजिटिव। यदि हम वहां पर दो से मल्टीप्लाई करेंगे y इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स बीटा इज लेस देन पाई बाई टू, सो टू बीटा इज लेस देन पाई, जीरो टू पाई इट्स डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो यहां पर हम ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं एंड फाइनली वी गेट द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो क्लियर दोस्तों, तो इस तरह आप एग्जाम्पल देखिए, समझे और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।